लिख लिए? हाँ जी सर। चंद प्रकाश पढ़ो तो जरा इसको। आईवीआरडी एक बहुपक्षीय वित्तीय एजेंसी है जो मध्यम आय वाली उभरती अर्थव्यवस्था को ऋण देती है।
आईबीआरडी विश्व बैंक समूह के 5 सदस्यीय संगठनों में से पहला संगठन है। आईबीआरडी का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। यह दोनों का मतलब क्या हुआ? आईबीआरडी और आईएमएफ
हाँ, IBRD प्लस IMF दोनों का जन्म एक साथ हुआ। अब IMF जो है ये अल्पकालीन ऋण डॉलर में सदस्य देशों को देती है। भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए IMF विदेशी मुद्रा में ऋण सदस्य देशों को देती है 5 साल की अवधि के लिए IMF ऋण देती है। तथा ब्याज समेत ब्याज समेत मूलधन विदेशी मुद्रा डॉलर में वापस लेती है। IBRD 20 वर्ष का दीर्घकालीन ऋण विदेशी चंद प्रकाश पढ़ो तो इसको IMF अल्पकालीन IMF अल्पकालीन ऋण डॉलर में सदस्य देशों को देती है। भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए IMF विदेशी मुद्रा में ऋण सदस्य देशों को ऋण देती है। 5 साल की अवधि के लिए IMF ऋण देती है तथा ब्याज समेत मूलधन विदेशी मुद्रा डॉलर में वापस लेती है। वहीं IBRD 20 वर्षों का दीर्घकालिक ऋण विदेशी मुद्रा में देती है।
विश्व बैंक जो है वो IBRD प्लस IDA दोनों का आंकड़ा अपने में रखती है। सब अपना अलग अलग संस्थान है और सबका अलग अलग पब्लिकेशन है। तो IBRD अपना जो लोन देती है उसका पब्लिकेशन है, IDA जो है सो बहुत सस्ता ऋण एकदम कम ब्याज पर गरीब देशों को देती है तो उसका अलग आंकड़ा है। और वर्ल्ड बैंक जो है दोनों का आंकड़ा लेकर के अपने नाम से उसको छापती है और वो हो जाता है वर्ल्ड बैंक का। सबका उद्देश्य क्या है? गरीबी को समाप्त करना। और जो ये अर्थ पर जो ग्रह है हम लोगों का पृथ्वी, उसमें समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए करना। अब इसमें ही कहीं नहीं है कि इजराइल हमास में गोला बारूद नहीं होगा। अगर गोला बारूद होगा तो कितना भी लोन दीजिएगा विकास होगा, तो ऊंचे तबके का आइडियल रखा गया है। सच्चाई यह है जो कम्युनिस्ट पार्टी लोग का कहना है कि एक तरह से लोन के जाल में सारे देशों को फंसा के रखता है और देश को लोन दे दिया उसको चुका सकता नहीं। भारत की स्थिति भी थी इंदिरा गांधी के समय में, $5 बिलियन दिया था उसका, इतना डंका का चोट बजा कि लोन मिल गया लोन मिल गया। आज जो है IMF का सारा लोन इंडिया चुका दिए। तो देश विकसित होगा तो लोन का कोई कमी नहीं रहता है, लेकिन लोन लीजिएगा और उसको उसे विकसित कर नहीं पाइएगा, खा पी के खत्म कर दीजिएगा तो उससे विकास होने का मुश्किल है। और IBRD जो है इसका सबसे पहला 1944 में स्थापित हुआ, इसमें 7 साल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 51, है 1951। 1951। इस अवधि में वर्ल्ड वार 2 में तबाह, तबाह हुए देश यूरोपियाई यूरोप यूरोपियाई राष्ट्रों का पुनर्निर्माण के लिए प्रयास वित्त पोषण किया, वित्त पोषण करना था। और 1951 के बाद भारत एवं अन्य नए स्वतंत्रता प्राप्त देशों को आर्थिक विकास सड़क रेल डाक तार विभाग डैम बिजली
परियोजना, बिजली परियोजनाएं, स्वास्थ्य सेवा, कार्यों के लिए दीर्घकालीन के लिए अल्पकालीन ऋण विदेशी मुद्रा में IBRD ने अपने देना आरंभ किया। अभी विश्व बैंक का कौन है अध्यक्ष? अजय बंगा है, अजय बंगा भारतीय मूल के। अजय कहाँ का है ये? सर भारतीय मूल के है, इसे पंजाब के है, पंजाब के है, भारतीय मूल के निवासी है, अमेरिकन। नागरिकता ले लिया, अमेरिकी नागरिक है। अच्छा, भारतीय मूल का है, अमेरिकी नागरिक। दो जून 2023 को पांच साल के लिए अध्यक्ष का कार्यभार
आईडीए का फुल फॉर्म हुआ अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए। सब अफ्रीकन सब छोट छोट कंट्री को खूब लोन दिए हुआ है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक, लिख लिए। अच्छा हाँ, गुड इवनिंग, ले रहे हैं, घुस जाओ। है वो तो इंटरव्यूए का तैयारी ना है, आशुतोष बैठा हुआ है, सब इंटरव्यूए का बात है। एगो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ जल्दी से। आईबीआरडी प्लस आईडीए बराबर हो क्या? आईडीए का फुल फॉर्म? गलत। पहले मुंह से तुमको इंडियन निकला था, अब बाद में एजेंसी बोल रही हो, दोनों गलत है। हाँ, ये क्या क्या? अभी ट्रेनिंग खत्म हो गया तुम्हारा? ट्रेनिंग खत्म हुआ है? कितना मिनट बचा हुआ है? 5 मिनट? 5 मिनट समय है? हाँ तो ज्वाइन करो ना। ट्रेनिंग में खूब खिला पिला रहा है, सुबह शाम गया में रखे हुआ है। नौकरी मिल जाने के बाद बहुत बदल जाता है ना, चेहरा मोरा सब बदल जाता है। अभी कौन सी मोस्टली ट्रेनिंग की? अब बहुत उत्तर प्रदेश सबसे भी आके ज्वाइन किया है, बिहार इधर और में सर, टूटी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा सब आ गया है बिहार में। हाँ, ये ज्यादा काबिल बन गए हमरे, इतना गरीबी है मुख्यमंत्री बिहार में। देखिए टीचर अभी वाला जा सर, रहे हैं, वर्ल्ड बैंक तो आप जान गए ना, वर्ल्ड बैंक में अच्छा क्या रहता है? आईडीए, आईबीआरडी प्लस आईडीए। लेकिन आपको रहेगा बीपीएससी में कि वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या अंतर है। आशुतोष हरा पीला अच्छा लग रहा है ना? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने तारीख को है इंटरव्यू? कितने है? तारीख को इंटरव्यू है? अब देखिए, आपको क्वेश्चन रहेगा बीपीएससी में कि वर्ल्ड बैंक तथा वर्ल्ड बैंक समूह में क्या अंतर है।
वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, सर वर्ल्ड बैंक समूह 5। बताओ तो नीलू, विश्व बैंक समूह में कौन कौन सा आइटम है? सर 5 तो है। हेलो, क्या बोली? नंबर वन, सर 5 5 5। और नंबर 1 है IBRD, नंबर वन, IDA, IC, IDS है। नंबर वन आईबीआरडी, IBRD नंबर टू यस सर, आईडीए, नंबर थ्री IDA यस सर, ICDIS करके है सर, जिसका इंडिया मेंबर नहीं है। और IFC, दो गए हैं सर, हाँ IFC IFC है। नंबर चार, MIGA, मीगा, MIG है मीगा। नंबर पांच, ICDIS, आई SID का ये IFC, एक दो तीन चार, और पांचवा चौथा सर ICDIS करके है, जिसका इंडिया मेंबर नहीं है। नाम अच्छे से मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या नाम है? ICSID करके नाम है सर, ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, आई, एक आदमी बोलिए, ICSID, आईसी SID, एस आई डी S, S सेटलमेंट, एच एस आई सी एस जी, ID, आई सी एस ID, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है कश्मीर जी। इसका फुल फॉर्म बोलो तो, ICSID का इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, आप धीरे धीरे बोलिए, रुक इंटरनेशनल जाओ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेंटर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट आगे बोलो, सेटलमेंट इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट सेटलमेंट, हाँ, सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, यस सर, इसका मेंबर भारत नहीं है, नहीं सर, ये मुझे नहीं पता सर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है सर, इसका फुल फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। जी। और सर आई तो आप जानते ही हैं, इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर
रिकंस्ट्रक्शन। इंटरव्यू में पूछेगा रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हुआ, बोलो फिर से निर्माण बनाना, है, फिर से बनाना, बताओ नीलू क्या रिकंस्ट्रक्शन क्यों नाम फिर से रखा बनाना, है। पुनर्निर्माण हुआ सर। हाँ क्यों, किसका पुनर्निर्माण, किस चीज का, बैंक का, किसका, बैंक बैंक, वर्ल्ड वॉर 2 में जो क्षति हुई थी उसका आधारभूत पुनर्निर्माण। ढांचा, अरे सेकेंड सुन लीजिए, सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर 2 वार है। में जितना देश का क्षति हुआ था, यूरोप के देश में ज्यादा बम गिरा था, क्योंकि जी सर, जर्मनी जर्मनी हाँ बम फेंक रहा था, तो सबसे ज्यादा बम फ्रांस में गिरा और बहुत सारे देश जो थे उस पर गिरा। तो जो डिस्ट्रक्शन हो गया था उसका रिकंस्ट्रक्शन, जो भी बिल्डिंग ध्वस्त हो गया, रेलवे लाइन ध्वस्त हो गया, ओवरब्रिज धस गया, पुल टूट गया युद्ध के कारण, डैम को उड़ा दिया, तो उस सब को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन दिया गया। और शुरुआती दौर में 7 साल तक इसी काम के लिए लोन दिया गया, बाकी दूसरा कोई काम के लिए नहीं। 7 साल के बाद जब सबका रिकंस्ट्रक्शन हो गया, तब आया डेवलपमेंट, तब डेवलपमेंट आया तो हम लोग को लोन दिया, तो सिंचाई परियोजना, बिजली परियोजना, डाक तार विभाग, नेशनल हाईवे, रेडियो स्टेशन, ये सब चीज जो बढ़ा नेहरू के जमाने में, वो सब डेवलपमेंट के अंतर्गत आया। और रिकंस्ट्रक्शन किसका होना है नीलू, अब रिकंस्ट्रक्शन किसका होना है आशुतोष, जवाब दो, सर इंटरव्यू देना है कंट्री ना का जितना तुमको। भी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकंस्ट्रक्शन के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में किसको लेती हो, पांच सर इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बताओ, रोड, पुल, रोड से रेल, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हवाई अड्डा हो गया, पुल हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, यस सिंचाई सर, वो तो सब परियोजना हो गया। ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। और आईडीए का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, डेवलपमेंट एसोसिएशन एजेंसी होता है सर, एसोसिएशन होता है, होता है एसोसिएशन है, संघ है, एसोसिएशन, आईएफसी हो गया, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, फाइनेंस, यस सर, फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कॉरपोरेशन, और MIGA, मीगा, मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टी लेटरल, मल्टीनेशनल, मल्टीलेटरल क्या बोल रही हो, सर, मल्टीलेटरल बोल रहे हैं, मल्टी लेटरल, नेशनल, लेटरल, लेटरल, मल्टीलैटरल, मल्टीलैटरल यस बोलो, सर,
से बोलो, मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल हाँ साफ साफ बात है, ऑफिसर बनिएगा, सरकारी हलवा पूरी खा रहे हैं आप लोग वहां। चलिए मल्टीलैटरल, और दूसरा आई का, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रुक जाए एक मिनट रुको, मल्टी लैटरल, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी है क्या? जी यस सर। सर। गारंटी आईएसए एजेंसी कुमोद यस सर। टू, पांचों का जल्दी जल्दी पढ़ो तो इंग्लिश में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, पहला IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। चंद्र प्रकाश, यस सर। हाँ ये पांचों को बोलिए तो फर्स्टली इंग्लिश में। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। विश्व बैंक में क्या आ रहा था है? IBRD और IDA IBRD इंटरव्यू में पूछेगा ही आशुतोष। यस सर। वर्ल्ड बैंक ग्रुप को एकदम याद कर लोगे, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो है एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, पहला हो गया IBRD, दूसरा हो गया ऑर्डरिंग यही है इसका IDA,
IFC MIGA ये थोड़ा लंबा है ICSID और IBRD प्लस IDA केवल बोलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ज्यादातर इंटरव्यू में पूछता है कि वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या अंतर है, पूछेगा ही। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या अंतर है, क्या है इसके अंतर्गत, तो आपको बताना है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि IBRD का लोन जब लिया जाता है तो उस लोन का गारंटर जो है भारत सरकार को बनना पड़ता है, और जितना भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसका बिना सहयोग का आगे आपका गाड़ी बढ़ेगा नहीं। तो देखा गया कि भाई गवर्नमेंट का गारंटी से के बाद ही ये मिलेगा। तो कहा कि बहुत सारा अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अफ्रीका का कंट्री है, उस सब के पास एकदम नहीं है कोई गारंटी देने का कुछ, ये ना वो लौटाने की स्थिति में है। तो गरीबी को दूर करना यही मुख्य उद्देश्य है वर्ल्ड बैंक का कि कैसे विश्व में गरीबी दूर हो। तो आईडीए जो है उसमें अगर आप आते हैं तो आपको ब्याज रहित लोन मिलेगा, लेकिन आईबीआरडी में आप लोन लीजिएगा तो 30 साल का 20 साल का जो भी प्रोजेक्ट आपको होगा तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन आईडीए में बहुत सारे में ब्याज का कंसेशन रहता है, न के बराबर ब्याज रहता है। और IFC जो है IFC, अब आपसे पूछेगा क्या है? कि IFC में क्या है, तो आपको कहना है कि IFC में श्रीमान IFC में लोन जब कोई भी देश लेने जाता है तो उसको सरकार का गारंटी नहीं चाहिए। IFC का अपना एजेंसी पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है जो कि पता लगा लेगा कि अंबानी को लोन दिया जाए कि नहीं दिया जाए, अडानी को लोन दिया जाए कि नहीं दिया जाए, टाटा को लोन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। टाटा का टिस्को जो है पुराना था लेकिन IBRD को अप्लाई किया लोन के लिए और उसको लोन मिल गया। लोन मिल गया तो टिस्को को रिमॉडलिंग कर दिया, मॉडर्नाइजेशन कर दिया, और आज भी टिस्को जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट टाटा को दे रही है, जबकि उसका टेक्नोलॉजी भी पुराना है और बहुत सबसे पहला भारत का स्टील इंडस्ट्री है, लेकिन वो ऋण लेकर के उसके सारे टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे परिवर्तित करता चला गया और आज जो है टिस्को अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और लोहा का सप्लाई कर रहा है। तो IFC और IBRD में क्या अंतर हुआ कि IBRD का जो आप लोन का एप्लीकेशन देंगे उस पर गारंटी किसका रहेगा, सरकार गवर्नमेंट का, की भारत सरकार का गारंटी किसका रहेगा, भारत सरकार का। IBRD का कोई लोन लीजिएगा तो गारंटी किसका रहेगा, भारत सरकार। गारंटी अब भारत सरकार का लेने के लिए आपको किसके रूट से जाना होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
अभी कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसके यहां से टोकरी का टोकरी नोट निकला है, शराब का व्यापारी भी है, कहां पता नहीं झारखंड में कि कहां कहां सब जगह से निकला है, उड़ीसा में निकला था, उड़ीसा झारखंड। उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है ना, हाँ उसका उधर ही है। तो अब सोच लीजिए कि किसको हेल्प किया, कितना हेल्प किया है। नोट को बंद करके रखना, नोटबंदी करके पूरे सिस्टम को गड़बड़ कर देता है। तो IBRD और IDA, IDA क्या है, IDA जो है पुअरेस्ट अमंग पुअर कंट्री, जो जनरली सब सहारन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है। अब तुमको जाओगे पूछ देगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन पॉवर्टी एंड इंडियन पॉवर्टी, और किसका पॉवर्टी ज्यादा है किसका कम है, बहुत इस पर चल रहा है आजकल। अब ऐसा नहीं कि उत्तर देना कि हम साउथ अफ्रीका गए ही नहीं है, तुमको कहां से मालूम होगा। तो साउथ अफ्रीकन पॉवर्टी, सब सहारन पॉवर्टी और इंडियन पॉवर्टी, इसके बारे में भी आपको किसी दिन इधर बता देंगे। तो अब देखिए, IMF और IBRD इस दो सबसे मेजर है, बाकी सब तो बाद में उसको डेवलप किया है। तो IMF में आपको मेंबर बनना है, मेंबर बनना है आपको जो है। गोल्ड देना पड़ेगा, मेंबर बनने के लिए गोल्ड देना पड़ेगा, और अगर डॉलर है तो डॉलर दीजिए। तो कितना देना है ये IMF नहीं कहेगा आपको, आप खुद जो है डिसाइड कीजिए कि आप कितना लोन दीजिएगा, कितना चंदा दीजिएगा, लोन नहीं चंदा। मेंबर बनना है तो क्या देना पड़ेगा आपको, चंदा। तो चंदा देना पड़ेगा, गोल्ड प्लस डॉलर। तो चंदा आप जितना दीजिएगा उसी के आधार पर आपको लोन मिलेगा। तो इसमें क्या करना है कि गोल्ड भी देना है, डॉलर भी देना है, और IBRD का भी मेंबर बनिएगा तो इसमें भी आपको गोल्ड देना है मेंबरशिप के लिए, गोल्ड देना है। अब आप हमको गूगल में देख के बताइए कि कितना परसेंट देना है, 25%, 75%, कितना परसेंट गोल्ड देना, कितना डॉलर देना, देख के बताइए। तो मेंबर बनने के लिए
सर इनिशियली एटलीस्ट 1/2 मेंशन किया हुआ है, है? इनिशियली एटलीस्ट 1/2 किया हुआ, तो शायद 75 होगा, 1/2 तो आधा होता है। 25% गोल्ड लिखा हुआ है सर, 25% क्या लिखा हुआ है? 25% 25% गोल्ड, 45। 25 बोला है ट्वेंटी सर, फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी आईबी आर डी में क्या ये मैं किसका बोल रहे हो? आईएमएफ का बोल रहे हो? ये सर IMF का 25% गोल्ड। हाँ करेक्ट बोल रहे हो। और और बाकी 75 डॉलर में होगा, बाकी 25 गोल्ड लिखा हुआ है सिर्फ बस जी। रेस 75 क्या जी में रहेगा? डॉलर ही होगा सर, SDR भी तो होता है ना, हाँ? एक SDR तो SDR उत्तम, होता SDR तो ये IMF का है ना। है। अच्छा पच्चीस परसेंट गोल्ड है ना प्लस कितना बच गया? और 75% बच गया। जो भी लोन देना है आपको डॉलर कितना देना है वो आपको डिसाइड करना है। तो रूल उसका है कि डॉलर आपको कितना देना होगा? 25%। आप 75% आपको देना पड़ेगा होम सर, कर 25% तो गोल्ड है सर, 25% तो गोल्ड है 25% गोल्ड है और जी 75% होम करेंसी। जी तो इसलिए आईएमएफ जो है उसके फंड में जितना मेंबर है उतना करेंसी उसके पास है। जैसे उसके अलमीरा में जो है सो मालिक अभी कितना मेंबर है? 189 189। तो 189 अलमीरा है इसके पास, ये मान लीजिए। एक अलमीरा पर किसका नाम लिखा होगा? भारत इंडिया। अब पहला वाला पर लिखा होगा यूएसए, दूसरा पर लिखा होगा चाइना, तीसरा पर लिखा होगा जापान, चौथा पर लिखा होगा ब्रिटेन या कोई दूसरा देश। स्विट्जरलैंड। कौन है चौथा सर फॉरेक्स रिजर्व में स्विट्जरलैंड है, फॉरेक्स पर? है तो रिजर्व में चौथा नंबर पर स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड का स्कोर। अरे कंट्री बताओ ना, 1 2 3 4 5 में नहीं। भारत पांचवा है ना, भारत पांचवा है तो इसके ऊपर चार है। वो कौन हाँ है? वो तो है, पांचवा है इकोनॉमी। यस सर, सबसे सर जापान, चाइना, जापान जर्मनी, यूके, यूएस भी है, यूएस, यूके, जापान, चाइना, सबसे ऊपर है यूएसए, उसके बाद कौन है? यूएसए के बाद कौन है? चाइना। उसके बाद चाइना है। है क्या बोलिए नीलू? जापान और यूके। सर पहला है यूएसए, दूसरा है चाइना, तीसरा है
क्या बोली हो नीलू? कुछ नहीं सर। अच्छा अरे पहला यूएसए नाम है ना? सर, यूएस, यूके, जर्मनी, जापान। यूके कहां से है? यूके तो नीचे है। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यूके हम लोग के नीचे है ना? यस सर। सर जमा तो जापान, जापान जर्मनी, जर्मनी चाइना, होगा, जर्मनी है। अच्छा चाइना। पहला यूएसए, चाइना, दूसरा चाइना, तीसरा तीसरा कौन बाद है? में जापान, और चौथा में जापान, जर्मन, चौथा है हाँ जर्मनी, उसके बाद जर्मन, और उसके बाद पांचवा इंडिया, उसके बाद यूके। है। तो जैसे 189 का कंट्री मेंबर, कितना मेंबर है? 189 189 सदस्य है। तो समझने के लिए समझ लीजिए कि 189 आलमीरा है, किसके पास? आईएमएफ के पास। तो जो कंट्री मेंबर बनना चाहता है तो कहा कि आप जितना रुपया डॉलर दीजिएगा उसी के आधार पर हम आपको लोन देंगे। तो कंट्री बढ़ चढ़ के लोन देगा कि कम लोन देगा? बढ़ चढ़ के। सर वही बढ़ चढ़ के, एकदम करेक्ट समझी। तो सब मेंबर बन गया, आ कहा कि 25% जो भी आप कहना है। तो मान लीजिए, एक उदाहरण लीजिए कि 100 करोड़, 100 करोड़ हम चाह रहे हैं कि आपसे हम कर्जा लें, तो हमको देना पड़ेगा 100 करोड़ पहले ही। और 100 करोड़ में क्या देना पड़ेगा? 25 करोड़ का सोना देना पड़ेगा 25%, और 75% जो है होम करेंसी। तो आईएमएफ वहां बैठा रहेगा, उसके खाता में हर देश का करेंसी रहेगा। जैसे बांग्लादेश कहेगा कि हमको इंडिया का करेंसी दीजिए, हमको कार लेना है, मारुति कार है ये कार, तो इंडिया का करेंसी दीजिए तो दे देगा। हम लोग कहेंगे हम लोग को जापान का करेंसी दीजिए, तो वहां से हमको कोई चीज फाइटर जेट लेना है, कुछ लेना है, अमेरिका करेंसी जिसका लेना है आप लीजिए फॉरेन करेंसी। लेकिन शर्त यही है कि जो कर्जा आपको लेना है वो एक पहले ही बांध लीजिए कि हम इतना कर्जा का हमारा मैक्सिमम लिमिट होगा। तो मैक्सिमम लिमिट अगर मान लीजिए आप 100 रखते हैं, तो 100 में आपको 25% गोल्ड जमा कीजिए और 75% होम करेंसी जमा कीजिए, और वो करेंसी आपका वहां लॉक हो जाएगा, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। बात फॉलो किए? चंद प्रकाश समझे बात को, यस कि आपको जो लोन देना है। तो मान लीजिए समझने के लिए बोलिए कि हमको 100 100 इकाई हमको लोन लेना है, 1000 करोड़ जो भी हो, 100 इकाई लोन लेना है। मेंबर बन गए, पहले पहले तो मेंबर बनना है। तो मेंबर बनना है तो किस कैटेगरी का बनना है? तो हम बोलेंगे हमको 100 100 करोड़ चाहिए। तो ठीक है, 100 करोड़ चाहिए, तो आप 25 करोड़ का सोना जमा कर दीजिए और 75 करोड़ जो है होम करेंसी जमा कीजिए, रुपया, क्योंकि हो सकता है अफ्रीकन को रुपया ही चाहिए और आपके यहां से माल खरीदेगा। बांग्लादेश को रुपया कर्जा लेना होगा तो इंडिया से माल खरीदेगा। तो उसी तरीके से हर कंट्री का अपना करेंसी है, और सब कंट्री में कुछ ना कुछ तो बिकता ही है। तो नियम हो गया कि आईएमएफ का मेंबर बनना है तो आप अपना अमाउंट फिक्स कीजिए कि कितना हमको बनना है, कितना करोड़ का, कितना बिलियन का, 4 बिलियन 5 बिलियन हम लोग उस समय लेते थे, बहुत बड़ी बात थी। आज वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम लोग पास डॉलर का स्टॉक है। तो नियम हो गया आईएमएफ में कि 25% गोल्ड दीजिए, आप 75% क्या दीजिए? होम करेंसी, और वो जमा हो जाएगा तुरंत, लोन आपको नहीं मिलेगा। वो रुपया जमा हो गया आपका, आप मेंबर हो गए। अब आप लोन लेने के लिए जब जाइएगा,
तो आपका वहां अकाउंट खुला हुआ है जहां 25% गोल्ड और 75% होम करेंसी रखे हुए हैं। तो आप जिस देश का भी करेंसी मांगिएगा उतना के बराबर आपको करेंसी लोन पर दे देगा। लेकिन पहले ही चेक लिया है 25% गोल्ड, तो देश का उतना गोल्ड निकल के चला गया किसके पास? वर्ल्ड बैंक। IMF के पास। अब अच्छा और इसका नियम है 5 ईयर्स, 5 बरस में पैसा लौटाना है आपको। 5 ईयर्स आपको लोन लोन पेमेंट, लोन पेमेंट होगा विथ इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप IBRD का मेंबर बन रहे हैं तब इसका नियम हल्का है, इसमें आपको 2% सोना देना होगा और 18% होम करेंसी। जितना आपको लोन लेना है उसका साइज फिक्स कीजिए, उस साइज पर 2% गोल्ड और 18% होम करेंसी वहां जमा कर। ये तो जैसे जमा होगे, सुरक्षा हैं के लिए है। ठीक क्या है सर, कहे? नहीं ठीक है, समझ गया। तो अभी क्या ई काली इस सदस्यता शुल्क हुआ, ये पैसा वहां फंस गया हम लोग का। सदस्यता फी है ये जमा हो गया तो हम लोग बन गए सदस्य, हो गए सदस्य हो गए। अब तुमको चाहिए रुपया, मान ली इंडिया का उदाहरण लिए, इंडिया कह रहा है IMF को कि हमको लोन दीजिए, तो उसको लोन कितना मिलेगा? 25% गोल्ड लिए हुआ है, 75% करेंसी लिए हुआ है, तब मान लीजिए 100 करोड़ का कहिएगा कि हमको लोन चाहिए, तब IMF आपसे क्या कहेगा कि फ्रेश आप एगो पैकेट में 100 करोड़ रुपया जो है, 100 करोड़ रुपया IMF में जमा कीजिए। अपने देश का 100 करोड़ रुपया निकाल के कहाँ जमा कर दीजिए? IMF में। और इसीलिए आप देखिएगा कि RBI में खाता है किसका? IMF का है, IBRD का है ना? इसलिए हमारे यहाँ मनी जो होता है वो क्या होता है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। तो अदर डिपॉजिट जो है यही है, अदर डिपॉजिट यही IMF IBRD का जो रुपया जमा होता है वही जमा हो जाएगा। नैरो मनी है ना, नैरो मनी का इक्वेशन होता है, मनी सप्लाई का क्या होता है, M=C+DD+OD। सी का मतलब होगा करेंसी एंड क्वाइन, DD का मतलब होगा डिमांड डिपॉजिट, और OD का मतलब अदर डिपॉजिट। तो व्हाट इज अदर डिपॉजिट इन RBI, तो आपको पूछेगा इंटरव्यू में, तो आप बोलिए RBI में जो अदर डिपॉजिट होता है दैट कंसिस्ट ऑफ आई इंडिया जो डिपॉजिट किए हुआ है किसको, IMF को। तो IMF का अकाउंट है RBI में, IBRD का अकाउंट है IBRD का अकाउंट है RBI में, उसी अकाउंट में जमा कर देना है। ये नहीं कि बोरा में लाद के पानी वाले जहाज से ले जाएंगे, लुटिए लेगा। अभी हाल में लूट रहा था ना, मालदीव के कहां पर लूट रहा था, भारत सरकार बचवाई है जहाज को, समुद्र वाला।
फॉर मेंबरशिप, फी फॉर मेंबरशिप एक बार हो जाता है बस, वो आपका पैसा वहां जमा है, सोना जमा है, अब आप लोन ले लीजिए। तो लोन लेने के लिए जब वहां जाइएगा तो इसका नियम क्या है कि IMF का रुपया आपके इकोनॉमी में घुसेगा और अन्य बातें स्थिर रहे तो देश में इन्फ्लेशन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा अचानक उतना करोड़, तो कि प्राइस राइज हो जाएगा, तो सारा ब्लेम किस पर जी चला जाएगा? सारा ब्लेम चला जाएगा IMF के ऊपर कि IMF का फंड इतना जी यहाँ भेज दिया है जिससे सब चीज का दाम बढ़ गया। IMF कहता है कि हम आपको 100 करोड़ दे रहे हैं, 100 करोड़ के बदले डॉलर उलर दे रहे हैं, पहले 100 करोड़ जो फ्रेश निकाल करके और IMF के अकाउंट में डाल दीजिए, नया, वो पुराना बात छोड़ दीजिए, पुराना तो मेंबर बन गया, फ्रेश डालिए 100 करोड़। तब उस 100 करोड़ के बराबर आप डॉलर, पाउंड स्टर्लिन जो मांगिएगा, येन युआन, वो आपको दे देगा, उससे आप अपना विकास कीजिए। और फिर आप विथ इंटरेस्टेड 10% इंटरेस्ट उस पर लगेगा, वो इंटरेस्ट जोड़ करके आपको 5 साल में लौटाना है, हर साल करके लौटाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। और आपका फिर अकाउंट जब सब लौटा दीजिएगा तो अकाउंट खाली हो गया, फिर लोन लीजिए। तो अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है और डॉलर आ रहा है, अभी मोदी सरकार में IMF का जितना लोन था सब सुधा दिया है, एक पैसा लेने का नहीं है, कि हम लोग के पास खुद डॉलर जो है 600 बिलियन, 650 बिलियन तक पहुंच जाता है। उस समय स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, एक्सपोर्ट हमारा बहुत ही कम था, इंपोर्ट बहुत ज्यादा था, और पेट्रोल ये सब का दाम जो है बहुत ज्यादा रखता है, तो उससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल रहता है। IMF जो है लोन केवल उसी काम के लिए देती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करेक्शन किया जाए। IMF से लोन लेके आप कार, मोटर, गाड़ी, फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछ देगा कि अगर हमको फैक्ट्री खोलना है तो IMF लोन देगा कि नहीं, लड़का बोल देगा हाँ नहीं देगा, अल्पकालीन लोन देगा, गलत। अल्पकालीन लोन देगा केवल बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रतिकूलता को दूर करने के लिए, बाकी किसी काम के लिए लोन नहीं देती है। तो IMF लोन देगी आपको किस काम के लिए लोन देगी, बोलो कुमुद? भुगतान संतुलन को संतुलित करने के लिए बाकी और कोई काम फैक्ट्री लगाने के लिए देगी? नहीं सर, उसके लिए आईबीआर उत्तर देगी उत्तर इसके लिए। मुरली बोलना है कि नहीं देगी। IMF का चार्टर में लिखा हुआ है कि भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए ही लोन देगी और किसी काम के लिए नहीं देगी। सर तब जी दूसरा हम लोग का रास्ता हो गया कौन, IBRD। IBRD कहता है कि हमारा मेंबर बनना है तो आपको कितना लोन लेना है एक लिमिट बताइए, जो लिमिट बताइएगा तो कहेगा ठीक है, उस लिमिट का 2% सोना दे दीजिए गोल्ड, और 18% जो है वो होम करेंसी भेज दीजिए वहां IBRD के ऑफिस में, वहां रहेगा, रेस्ट कितना बच गया? अठारह दो बीस ना हुआ, जी, रेस्ट 80%। 80% है होम करेंसी, वो रख दीजिए इसके अकाउंट में, जो RBI में अकाउंट है IBRD का, वहां रख दीजिए। जी इसलिए किया जाता है कि बाहर से पैसा आएगा तो देश में इन्फ्लेशन नहीं हो, तो पहले ही जी उतना सर इंडियन करेंसी को IBRD के अकाउंट में डाल दीजिए। तब आपको मान लीजिए 100 करोड़ देना है उसको, रेलवे विकास के लिए, रोड सड़क विकास के लिए, परियोजना के लिए, डैम के लिए, जो करना है अपना प्रोजेक्ट दीजिए, और वो अगर ओके हो गया है तो आपको लोन देगा, और लोन का लिमिट वही हो गया, 2% गोल्ड पहले से आप दिए, 18% होम करेंसी दिए हुए हैं तो 20 हो गया,
और 80% होम करेंसी जो है इसके अकाउंट में डाल दीजिए। कहाँ? आईबीआरडी के अकाउंट जो आपके यहाँ है। ये सब इसलिए किए हुआ है कि वहां बैठे बैठे चेक काट देगा आपके बैंक का किसी भी दूसरे देश को। नाइजेरिया को लोन देना है, वो कहेगा हमको इंडिया से ही सामान चाहिए, तो इंडिया का चेक काट देगा और वो भंज भी जाएगा चूंकि वहां रखा हुआ है पैसा। तो ये एक सिस्टम बनाया हुआ है जिससे कि आपको लोन दिया जाए लेकिन रिटर्न आपका जो पैसा वहां जमा है उस पर कोई ब्याज नहीं देगी, वैसे ही वहां पड़ा रहेगा। जब आप लोन चुका दीजिएगा तब फिर आपका पैसा वहां से रिलीज कर देगा। समझ गए? जी सर, प्रणाम दैट्स ऑल। सर।